हेलो माय डियर शिमरुकाइट्स, आप सब कैसे हो बताओ मुझे। अच्छा, बहुत अच्छे हो। ओके, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो माय डियर शिमरुकाइट्स, आप लोग मुझे बता सकते हो कि आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग हिंदी स्वर के एक अक्षर लिखने का अभ्यास करेंगे। हाँ, तो इसीलिए आप लोगों को देखो ये बुक लेकर तैयार होना पड़ेगा। मुझे बताओ कि ये कौन सी बुक है? हाँ, शेक्सपियर बुक है। वेरी गुड। तो अभी आप लोग शेक्सपियर बुक और उसके साथ पेंसिल इरेजर लेकर तैयार हो जाओ। ओके, आप लोग तैयार हो गए। वेरी गुड। अभी आप लोग शेक्सपियर बुक के 7373 नंबर पेज ओपन कर लो। ओपन कर लिए। वेरी गुड। अभी आप लोग देखो ऐसे एक पेज दिख रहे हो, है ना? हाँ। अभी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ कि ये कौन से अक्षर है। बताओ बताओ, आप लोग तो जानते हो, बताओ मुझे। कौन से अक्षर है बोलो? हाँ, वेरी गुड। अभी हम लोग ये अक्षर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलो हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे हम लोग औ लिखने का अभ्यास करेंगे। हाँ, देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप औ कैसे लिखते हैं वो दिया हुआ है ना? हाँ, चलो फिंगर से ट्रेस कर लेते हैं। ऐसे छोटी सी आधा गोल, फिर और एक आधा गोल, फिर क्या देखो ऐसे एक रेखा, फिर ऐसे दो आधा गोल और ऐसे एक रेखा के बाद एक खड़ी रेखा, फिर क्या एक खड़ी रेखा के बगल में और एक खड़ी रेखा, फिर दो खड़ी रेखा के ऊपर मात्रा, फिर क्या देखो दो खड़ी रेखा फिर मात्रा, फिर ऐसे दो रेखा, हो गए औ। अभी देखो यहाँ पे बिंदुओं से स्टेप बाय स्टेप औ लिखा हुआ है ना? तो चलो हम लोग पेंसिल से ये ट्रेस कर लेते हैं। चलो सब लोग पेंसिल ले लो। ये देखो, सबसे पहले ये छोटी सी आधा गोल को ऐसे ट्रेस कर लो, फिर छोटी सी आधा गोल के बाद और एक आधा गोल, फिर छोटी सी आधा गोल और एक आधा गोल, फिर ऐसे एक रेखा, फिर दो आधा गोल और ऐसे एक रेखा के बाद एक खड़ी रेखा, फिर क्या देखो ऐसे दो आधा गोल के बाद ऐसे एक रेखा, फिर एक खड़ी रेखा के बगल में और एक खड़ी रेखा, फिर दो खड़ी रेखा के ऊपर मात्रा। अब देखो, अब क्या करना है, ऐसे एक रेखा फिर दो खड़ी रेखा, फिर दो खड़ी रेखा के ऊपर मात्रा, फिर ऐसे और ऐसे दो रेखा, हो गए औ। तो देखो यहाँ पे बिंदुओं से स्टेप बाय स्टेप औ लिखा हुआ था। मैंने यहाँ पे ये बिंदुओं को जोड़कर औ लिखने का अभ्यास किए। आप लोग भी तो मेरे साथ साथ किए है ना? हाँ। अभी देखो यहाँ पे बिंदुओं से बहुत सारे औ लिखा हुआ है। हाँ, चलो इन बिंदुओं को जोड़कर भी हम लोग औ लिखने का अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे दो आधा गोल, फिर ऐसे एक रेखा, उसके बाद दो खड़ी रेखा, फिर मात्रा और फिर ऐसे दो रेखा, हो गए औ। वेरी गुड। अभी चलो मेरे साथ साथ ये बाकी औ वर्ण को ऐसे ही ट्रेस कर लो। ये देखो दो आधा गोल, ऐसे एक रेखा, दो खड़ी रेखा, फिर मात्रा, फिर ऐसे दो रेखा, हो गए औ। चलो आप लोग मेरे साथ साथ करो। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत ध्यान से करना है। हाँ, यहाँ पे देखो मैं कैसे कर रही हूँ, आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही करो। हाँ, तो अभी हम लोग कौन से वर्ण लिखने का अभ्यास कर रहे हैं बोलो मेरे साथ साथ औ। वेरी गुड। तो औ कैसे लिखना है, छोटी सी आधा गोल फिर और एक आधा गोल, ऐसे एक रेखा फिर दो खड़ी रेखा, फिर दो खड़ी रेखा के ऊपर मात्रा और ऐसे दो रेखा औ। ये देखो इस लाइन पे मेरा एक औ वर्ण ट्रेस करना बाकी है। मैं ये औ वर्ण को भी ट्रेस कर लेती हूँ। आप लोग भी करो मेरे साथ साथ।
बहुत अच्छे। तो देखो इस लाइन पे मैंने बहुत सारे अउ लिखने का अभ्यास किए है ना। आप लोग भी दो मेरे साथ साथ किए। तो अभी देखो यहाँ पे इन बिंदुओं को जोड़ कर भी आप लोग अउ लिखने का अभ्यास कर लो। अभी हम लोग यहाँ पे एक चले पाठ का एक्टिविटी करेंगे। अभी देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ओ कैसे लिखते हैं वो दिया हुआ है ना। हाँ चलो फिंगर से ट्रेस कर लेते हैं। ऐसे छोटी सी आधा गोल, फिर और एक आधा गोल, फिर क्या देखो ऐसे एक रेखा, फिर ऐसे दो आधा गोल और ऐसे एक रेखा के बाद एक खड़ी रेखा, फिर क्या एक खड़ी रेखा के बगल में और एक खड़ी रेखा, फिर दो खड़ी रेखा के ऊपर मात्रा, फिर क्या देखो दो खड़ी रेखा फिर मात्रा, फिर ऐसे दो रेखा, हो गए। ओ अभी देखो यहाँ पे बिंदुओं से स्टेप बाय स्टेप ओ लिखा हुआ है ना। तो चलो हम लोग पेंसिल से ये ट्रेस कर लेते हैं। चलो सब लोग पेंसिल ले लो। ये देखो सबसे पहले ये छोटी सी आधा गोल को ऐसे ट्रेस कर लो, फिर छोटी सी आधा गोल के बाद और एक आधा गोल, फिर छोटी सी आधा गोल और एक आधा गोल, फिर ऐसे एक रेखा, फिर दो आधा गोल और ऐसे एक रेखा के बाद एक खड़ी रेखा, फिर क्या देखो ऐसे दो आधा गोल के बाद ऐसे एक रेखा, फिर एक खड़ी रेखा के बगल में और एक खड़ी रेखा, फिर दो खड़ी रेखा के ऊपर मात्रा। अब देखो अब क्या करना है, ऐसे एक रेखा फिर दो खड़ी रेखा, फिर दो खड़ी रेखा के ऊपर मात्रा, फिर ऐसे और ऐसे दो रेखा, हो गए। तो देखो यहाँ पे बिंदुओं से स्टेप बाय स्टेप ओ लिखा हुआ था। मैंने यहाँ पे ये बिंदुओं को जोड़कर ओ लिखने का अभ्यास किए। आप लोग भी तो मेरे साथ साथ किए है ना। हाँ अभी देखो यहाँ पे बिंदुओं से बहुत सारे ओ लिखा हुआ है। हाँ चलो इन बिंदुओं को जोड़कर भी हम लोग ओ लिखने का अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे दो आधा गोल, फिर ऐसे एक रेखा, उसके बाद दो खड़ी रेखा फिर मात्रा, और फिर ऐसे दो रेखा, हो गए। वेरी गुड। अभी चलो मेरे साथ साथ ये बाकी ओ वर्ण को ऐसे ही ट्रेस कर लो। ये देखो दो आधा गोल, ऐसे एक रेखा, दो खड़ी रेखा फिर मात्रा, फिर ऐसे दो रेखा, हो गए। चलो आप लोग मेरे साथ साथ करो। हाँ बहुत अच्छे, बहुत ध्यान से करना है। हाँ यहाँ पे देखो मैं कैसे कर रही हूँ, आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही करो। हाँ तो अभी हम लोग कौन से वर्ण लिखने का अभ्यास कर रहे हैं बोलो मेरे साथ साथ। औ वेरी गुड। तो औ कैसे लिखना है, छोटी सी आधा गोल फिर और एक आधा गोल, ऐसे एक रेखा फिर दो खड़ी रेखा, फिर दो खड़ी रेखा के ऊपर मात्रा, और ऐसे दो रेखा। औ ये देखो इस लाइन पे मेरा एक औ वर्ण ट्रेस करना बाकी है। मैं ये औ वर्ण को भी ट्रेस कर लेती हूँ। आप लोग भी करो मेरे साथ साथ। बहुत अच्छे। तो देखो इस लाइन पे मैंने बहुत सारे औ लिखने का अभ्यास किए है ना। आप लोग भी दो मेरे साथ साथ किए। तो अभी देखो यहाँ पे इन बिंदुओं को जोड़ कर भी आप लोग औ लिखने का अभ्यास कर लो। अभी सो माय डियर शुभकार्ड्स, अभी हम लोग हिंदी स्वर के एक अक्षर लिखने का अभ्यास किए है ना। हाँ अभी क्या करना है, मम्मी या पापा किसी को रिमाइंड करना है ये पेज की एक फोटो गूगल क्लासरूम में सबमिट करने के लिए। और घर में आप लोग फिर से ये अक्षर लिखने का अभ्यास करना करोगे ना। हाँ वेरी गुड। सो माय डियर शुभकार्ड्स, आवर लेसन इज ओवर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय।